हेलो एंड वेलकम टू फेवरेट पॉडकास्ट चैनल अ प्लेस टू लर्न इंग्लिश विद फन. सो लेट्स बिगिन. इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू सेंटेंसेस फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड देन फर्दर अदर एक्सक्यूजेस. फर्स्ट लेट्स बिगिन. अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो जाए, कहीं भी किसी मीटिंग के लिए लेट हो जाए, लोगों से मिलना है लेट हो जाए, तो आप कुछ इस तरीके से आप उनसे कह सकते हैं इंग्लिश में, सॉरी आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट, यार लेट हो गया, सॉरी. आई ओवरस्लेप्ट. अरे यार सोता ही रह गया. मैं माई अलार्म डिडन गो ऑफ. अरे यार अलार्म ही नहीं बजा गुरु. आई हैड टू वेट एजेस फॉर द बस. अरे यार बस के लिए बड़ा लंबा समय वेट करना पड़ा. आई हैड टू वेट एजेस फॉर द बस. बस गॉट लेट. ओहो बस ही लेट हो गई. हम क्या करें बताओ. द ट्रैफिक वॉज टेरेबल. ट्रैफिक बहुत भयंकर था. ट्रैफिक वॉज टेरेबल. आई कुडंट फाइंड अ पार्किंग स्पॉट. अरे यार पार्किंग, गाड़ी पार्कने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी. आई कुडंट फाइंड अ पार्किंग स्पॉट. क्या करें, वहीं लेट हो गया. आई गॉट लॉस्ट कमिंग हेयर. अरे यार रास्ता ही भूल गया मैं. यहाँ आते समय रास्ते में मैं गुम हो गया, कहीं वो दूसरी जगह चला गया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया. आई गॉट लॉस्ट कमिंग हेयर. आई वॉज टाइड अप इन मीटिंग. यार मैं इतना मीटिंग में फंस गया कि लेट हो गया, आ नहीं पाया. आई वॉज टाइड अप इन द मीटिंग. आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम. अरे यार समय का पता ही नहीं चला. कैसे निकल गया. अब अगर कोई आपका, अगर आप किसी से एग्री नहीं करते हैं, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, आप एग्री नहीं करते हैं, आप उसकी बातों से सहमत नहीं है, यू आर नॉट एग्री विद द पर्सन यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद, देन यू कैन डिनाई और यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ बाई दिस फ्रेसेस. ओ आई डोंट थिंक सो. मुझे लगता है यार मुझे लगता है हो पाएगा यार. आई बेग टू डिफर. मैं ऐसा नहीं सोचता. आई बेग टू डिफर. मैं तुमसे थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ. आई बेग टू डिफर. आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री. मुझे लगता है मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. यार मुझे, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ. दैट्स नॉट हाउ सी इट. ये, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देखता हूँ. दैट्स नॉट हाउ आई सी इट. जो तुम कह रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग, आई डोंट सी लाइक दैट. दिस नॉट अबाउट और ऐसे ऐसे कह सकते हो आप. सो उसके बाद अगला सेंटेंस है, दैट्स नॉट हाउ आई सी इट. मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ. नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं है. यस बट बस हो गया काम. ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत, अगर आपको बहुत इनफॉर्मल कहना है तो नो वे. वो सब फॉर्मल कह सकते हो, ये इनफॉर्मल. नो वे कह दिया किसी ने, मतलब आप उससे डिसएग्री कर रहे हो. आई टोटली डिसएग्री. वेरी स्ट्रांग. अगर बहुत ही स्ट्रांगली कहना है तो आपके, तो आई टोटली डिसएग्री. मैं फिर रिपीट करता हूँ, 10 फ्रेजेस फॉर डिसएग्रीइंग. आई डोंट थिंक सो. आई बेग टू डिफर. आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री. आई डोंट थिंक सो. आई बेग टू डिफर. आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. That's not how I see it. Not necessarily. Yes, but on the contrary, no way. I totally disagree. कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं. जो sentences मैंने आपको बताया, आप उन sentences को अकेले घर में repeat कर सकते हो, कह सकते हो, और अपनी English को strong, मजबूत, efficient बना सकते हो. लोगों से थोड़ा सा different दिख सकते हो. और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, थम्स अप जरूर देना, ताकि मैं इस पॉडकास्ट को और बेहतर बना सकूं और मैं लोगों की हेल्प कर सकूं उनको इंग्लिश सीखने के लिए. एंड आई कैन मेक दिस
episode, this podcast, even better, far better, and help people learn English easily, efficiently, and in a proper manner. So that's all. Bye-bye. I'll wind up this episode today. I'll be back soon with another episode on English learning. Till then, bye-bye. Have a nice day. Keep smiling, keep spreading smile, and please don't forget to press the bell icon below.